एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था, तेज धूप हो रही थी और एक चुड़ैल एक कॉलोनी के ऊपर से उड़ती हुई जा रही थी। तभी चुड़ैल का सर चकराने लगता है। अरे अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? अरे, मेरे सर में इतना तेज दर्द क्यों हो रहा है? मेरा तो सर भी चकरा रहा है। और फिर चुड़ैल अपने आप पर नियंत्रण खोकर आसमान से नीचे कॉलोनी में जा गिरती है। कॉलोनी के कुछ लोग चुड़ैल के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अरे, ये तो चुड़ैल है, ये आसमान से हमारी कॉलोनी में कैसे गिर पड़ी? ये चुड़ैल उड़ती हुई कहीं जा रही होगी और तबीयत खराब हो जाने पर यहाँ गिर पड़ी होगी, और क्या। ओया, तुम शायद ठीक कह रहे हो, इसकी तबीयत ही खराब है, तभी तो ये बेहोश हो गई है। हाँ भैया, हमें इस चुड़ैल को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा, कहीं ऐसा ना हो ये बेचारी मर जाए। कुछ लोग मिलकर चुड़ैल को उठाते हैं और कॉलोनी में रहने वाली डॉक्टर पूनम के पास ले आते हैं। डॉक्टर पूनम चुड़ैल का चेकअप करती है और बीपी भी नापती है। फिर डॉक्टर पूनम एक इंजेक्शन चुड़ैल को लगाती है। एक आदमी डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहिबा, ये चुड़ैल ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, ये थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मैंने इसे इंजेक्शन लगा दिया है। तभी चुड़ैल को होश आ जाता है और चुड़ैल उठकर बैठ जाती है। मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? तुम इस समय डॉक्टर पूनम यानी मेरे क्लिनिक में हो और अब तुम ठीक हो। अरे, मैं उड़ती हुई जा रही थी कि अचानक मेरा सर दर्द से फटने लगा और मैं चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी थी। मुझे बताओ, मुझे क्या हुआ था? तुम्हारा बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया था, इसी वजह से तुम्हें चक्कर आ गए होंगे। पर ये बताओ, तुम खाती क्या हो? मैं इंसानों का मांस खाती हूँ और उनका गर्मा गर्म खून पीती हूँ। तो तुम्हारा बीपी हाई होने का यही असली कारण है। वैसे इंसानों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो तुम इंसानों को मारकर उनके मांस और खून का सेवन करती हो? इंसान बहुत लालची और बुरे होते हैं। इंसानों ने मुझे धोखा दिया है। एक साल पुरानी बात है, मैं अपने जंगल में मजे से रहती थी और फल फूल खाकर अपना गुजारा किया करती थी। मैंने सुना है इस जंगल में बहुत से जानवर हैं, यहाँ शिकार खेलने में बड़ा मजा आएगा। हाँ भैया, आज हम अपनी बंदूकों से बहुत सारे जानवरों का शिकार करेंगे और उनकी खाले बेचकर खूब पैसे कमाएंगे। पेड़ पर बैठी हुई चुड़ैल दोनों शिकारियों को देख रही होती है। तभी बहुत सारी चील आकर शिकारियों पर हमला बोल देती हैं और अपनी चोंच व पंजों से शिकारियों को घायल कर देती हैं। चुड़ैल ये नजारा देखकर सोचती है, अरे, ये चील तो इन बेचारे इंसानों को मार ही डालेंगी, मुझे इनको इन खतरनाक चीलों से बचाना चाहिए। चुड़ैल पेड़ से उड़ान भरती है और अपनी लाठी से चीलों को मार मार कर भगा देती है। दोनों शिकारी घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। चुड़ैल उनसे कहती है, तुम दोनों तो घायल हो चुके हो, मेरे साथ मेरी गुफा में चलो, मैं तुम्हारे जख्मों पर दवा लगा दूंगी। चुड़ैल बहन, तुमने हमारी जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, हम दोनों तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद चुड़ैल दोनों शिकारियों को उठाकर अपनी गुफा में ले जाती है। गुफा में लाकर चुड़ैल दोनों शिकारियों के घावों पर दवा लगाती है और उन्हें ताजे फल खाने के लिए देती है। फिर चुड़ैल लेटकर सो जाती है। गुफा के अंदर रोशनी करने के लिए चुड़ैल ने बड़े साइज के हीरे रखे हुए थे जो बल्बों की तरह जगमगा रहे थे।
हीरों को देखकर दोनों शिकारी ललचा जाते हैं और उन हीरों को चुराने की योजना बनाते हैं। अरे देखो, इस चुड़ैल के पास इतने कीमती हीरों का क्या काम? अरे ये तो हमारे पास होने चाहिए। हाँ सही सोच रहे हो भैया तुम। अरे चुड़ैल इस समय घोड़े बेचकर सो रही है, आज अच्छा मौका है हीरे चुराकर भागने का। और फिर दोनों शिकारी चुड़ैल के सर पर डंडों से वार करके उसे बेहोश कर देते हैं और सारे हीरे चुराकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद चुड़ैल को होश आता है और जब चुड़ैल अपने हीरे गायब पाती है तो गुस्से से तिलमिलाने लगती है। हाँ, वो इंसान मुझे धोखा दे गए, मेरे हीरे चुरा कर ले गए, मेरा सर भी फोड़ डाला कमीनों ने। मैं अब किसी इंसान को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबसे बदला लूंगी, सबसे बदला लूंगी। उस घटना के बाद से चुड़ैल इंसानों की दुश्मन बन जाती है। चुड़ैल इंसानों को पकड़कर उन्हें मारकर खाना शुरू कर देती है। मैंने खतरनाक चीलों के हमलों से उन दोनों इंसानों की जान बचाई, उन्हें अपनी गुफा में ले जाकर उनका इलाज किया, उन्हें फल खाने को दिए और उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। अब आप ही बताइए डॉक्टर, मैं इंसानों को मारकर उनसे अपना बदला क्यों ना लूं? देखो, तुम्हारे साथ उन शिकारियों ने बहुत बुरा किया, भगवान उन्हें उनके अपराध की सजा जरूर देगा। हाँ डॉक्टर साहिबा सही कह रही हैं। दुनिया के सभी इंसान बुरे नहीं होते चुड़ैल बहन, हम लोगों ने तुम्हारी मदद की है, हम तुम्हें उठाकर इलाज के लिए यहाँ लेकर आए हैं। देखो हम तो बुरे इंसान नहीं है ना चुड़ैल बहन। कुछ लोगों की गलती की सजा सारे इंसानों को देना बहुत गलत बात है। अब तुम इंसानों को मारकर उनके मांस और खून का सेवन करना बंद कर दो। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर तुम भी एक दिन अचानक मर जाओगी। इंसानी मांस और खून का सेवन करने से तुम्हारा बीपी हाई होने लगा है। जिस दिन तुम्हारा बीपी ज्यादा हाई हो जाएगा उस दिन तुम्हारे दिमाग की नसें फट जाएंगी और तुम मर जाओगी। नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं मरना है, मैं और जीना चाहती हूँ। मेरी समझ में आपकी बात आ गई है डॉक्टर पूनम। आज के बाद मैं किसी इंसान को मारकर नहीं खाऊंगी, मैं फिर से शाकाहारी बन जाऊंगी। उसके बाद डॉक्टर पूनम चुड़ैल को कुछ दवाइयां देकर उसकी छुट्टी कर देती है और चुड़ैल उड़कर वहां से चली जाती है।